हर रिलेशन में, इवन पेरेंट्स और बच्चों के साथ भी और अपार्ट फ्रॉम दैट, बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए इन प्रिंसिपल। लेकिन जब हम फैमिलीज, बिकॉज यहाँ पर हम काम करते हैं, जो फैमिलीज को हम ये गाइड करते हैं कि आपको मैरिट पर आपको बाउंड्रीज को ज़रा मेंटेन करना है इन योर रिलेशनशिप, तो ये कोई नया सा आइडिया उनके जहन में होता है। वो बाउंड्रीज को परसीव करते हैं जैसे स्ट्रिक्ट हो जाना किसी के साथ, हालांकि बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप एक लिमिटेशन ज़रूर रखें, हर एक रिश्ते का लिहाज ज़रूर रखें इमोशनली और फिज़िकली। यानी रिश्ते को डिफ़ाइन करके रखना चाहिए कि माँ बाप का औलाद के साथ रिश्ता क्या होगा, और वो रिश्ता टीन एज में क्या होगा, या बलूगत के बाद क्या होगा, या बच्चों की जब शादियां आप कर देते हैं तो रिश्ता एक नई शक्ल इख्तियार करता है, या एक 5 साल के बच्चे के साथ आपका क्या रिश्ता होगा, तो ये सब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। और ये जो ट्रेंड है कि पेरेंट्स अपने आप को ये कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, सर ये ठीक बात है कि पेरेंट्स दोस्त हो सकते हैं? नहीं, पेरेंट्स दोस्त नहीं हो सकते। रिश्तों को गड़बड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। पेरेंट्स के जो रवैये हैं औलाद के साथ वो दोस्ताना हो सकते हैं, लेकिन दोस्त वो होता है जो हर बात मानता है। हमारे मुआशरे में हम दोस्तों से तवक्को रखते हैं कि उनसे जो बात कहें तो हमें तवक्को होती है कि वो हाँ बोलेंगे। तो वालदैन भी अगर दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, जो कि वो अक्सर बेचारे ये कोशिश करते हैं, और वो फिर हाँ बोलना शुरू कर देते हैं, और जब वो हाँ बोलते हैं तो बच्चे उनको कहते हैं आई लव यू, और जब वो ना बोलते हैं तो बच्चे कहते हैं आई हेट यू। क्योंकि आजकल बच्चे काफ़ी सख्त बात भी कर लेते हैं और दूसरों के पास कोई जवाब नहीं होता। मैं कल ही एक खातून मुझे बता रही थी कि उनका भांजा मिलने आया हुआ था, ईद मिलने आया हुआ था, और कह रही थी कि जब मैंने एक सेल्फी ली और तो उन्होंने मुझे कहा, भांजा ने कहा, जवान भांजा था, तो उसने कहा कि ये आपने सेल्फी तो ले ली है, अब इसे फेसबुक पे अप कर दें और नीचे लिखें वेडी फॉर सेल। यानी अपनी सगी खाला के लिए ये फिक्रा बोला, और खातून ने बताया कि वो चुप की चुप कर गई, उनके मुंह में जैसे जबान नहीं थी, और उनको 24 घंटे लगे अपने भांजे को टेलीफोन पे ये SMS करते हुए कि कल आपने जो मुझसे बात की थी वो बहुत तकलीफ़ दे थी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे मजाक में बात की थी, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है। तो ये जो हद अदब मलहूज ना रखना, जो उम्र का फ़र्क है या मर्तबे का फ़र्क है या रिश्ते का तकाजा है, उसको बरकरार रखना चाहिए, और हमें फौरी तौर पर अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए कि अगर हमें तकलीफ़ पहुंची है तो ये कह देने में कोई हर्ज नहीं कि हमें तकलीफ़ पहुंची है। और ये बड़ी मौसर बात होती है जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, और बेशक उसके बाद ज़्यादा हंगामा ना करें और खामोश हो जाएं, लेकिन जब फीलिंग्स बता देते हैं तो कुछ उसका फौरी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इन दी लॉन्ग रन फ़ायदा ज़रूर होता है। प्लस वो खातून बता रही थी कि दूसरे लोग भी थे इर्द गिर्द, लेकिन किसी के कान पे भी जूं तक नहीं रेंगी। यानी नौजवानों की तरफ से बुज़ुर्गों के बारे में तौहीन अमेज़ कलमात, ये कोई आम सी बात है। नौजवान जब आपस में भी मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ अपने माँ बाप के हवाले से जब बात करते हैं तो बड़े नागवार अंदाज में बात करते हैं, जैसे उनके वालदैन कोई सब स्टैंडर्ड हैं और वो बहुत कोई ज़बरदस्त हैं। तो ये सब चीज़ें मॉडर्निज्म के नाम पे की जाती हैं। ये मॉडर्निज्म हरगिज़ नहीं है। मॉडर्निज्म है जी और जीने दो। मॉडर्निज्म ये है कि आप किसी को तकलीफ़ ना दो, और कोई आपको तकलीफ़ दे तो आप ज़रूर उसको अच्छे लफ्ज़ों में बताएं कि आपकी ये बात जो है मुझे मुनासब नहीं लग रही, और आप आइंदा इस तरह का तर्ज तखातब मुझसे ना रखिएगा। और यकीनन इसका असर होता है। अगर ये फौरी तौर पर कोई आपको कह सकता है कि मुझे क्या परवाह अगर आपको तकलीफ़ हुई है, और अगर कोई ऐसा कहे तो आप जहन में नोट रखें, लोग जो कहते हैं उनकी बातों को आप गौर से सुने। अगर कोई आपसे कहता है कि फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा, तो आप यकीन करें कि वाकई वो सही कह रहा है। जो बंदा अपने बारे में मनफी रिमार्क्स दे रहा होता है तो आप समझ लें कि वो बहुत संजीदा है, क्योंकि वरना वो क्यों कोई आपको कहेगा कि उससे बुरा फिर कोई नहीं होगा। लोग अपने बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहती हैं। जंकी प्राइड है,
लोग अपने बारे में ये जो बातें करते हैं ये मनफी फ़ख्र है जो कि वो जिसका इजहार करते हैं, लेकिन जो सुलझे हुए लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, जो रोशन ख्याल लोग हैं, वो दूसरों के जज्बात का। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं, सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।